सबको ओम शांति। आप सभी लोग भारत की खोज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखिए। अगर नए हैं तो तुरंत इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रह सकें। पहला प्रश्न देखिए, तक्षशिला को मिलाकर विराट मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त। इन चारों विकल्पों में से एक सही है कि विराट मगध साम्राज्य की स्थापना सर्वप्रथम चाणक्य के साथ मिलकर के चंद्रगुप्त ने किया था और वो मगध साम्राज्य के नए राजा भी बने। तो चंद्रगुप्त के प्रसिद्ध मंत्री जिन्होंने चंद्रगुप्त को बहुत ही सहायता दिया और इतिहास में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने पूरे नंद साम्राज्य को प्रतिस्थापित कर चंद्रगुप्त को राजा बनाया, तो महान और जिनके महान ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र है, तो वह महान व्यक्ति हैं चाणक्य। तो इसमें चाणक्य ही इसका सही उत्तर है, तो आप इसे याद रखें चाणक्य को। और अगला प्रश्न, सेल्यूकस के राजदूत का नाम है प्लिनी स्मित मेगास्थनीत माल्थस। सेल्यूकस जो एक यूनानी राजा था जिसने आजकल के जो पंजाब का क्षेत्र है और पाकिस्तान का क्षेत्र है, अफगानिस्तान को मिला करके शासन भी किया था कुछ दिनों तक, तो उनके जो राजदूत हैं, उनके राजदूत थे मेगास्थनीज, जो कि भारतवर्ष की यात्रा जिन्होंने किया था, पूरे भारत में भी आए थे। और चाणक्य के अर्थशास्त्र का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है? अर्थ, धर्म, साहित्य, राजनीति। तो इसमें से इसका प्रमुख प्रतिपाद्य बताना आपको, चाणक्य के अर्थशास्त्र का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है? वह अर्थ है कि धर्म है, साहित्य की राजनीति। तो उसका प्रमुख प्रतिपाद्य जो है वो राजनीति है। चाणक्य ने राजनीति के संदर्भ में बहुत गहन विवेचन किया। उन्होंने राजा के कर्तव्यवाद के बारे में चर्चा किया है और सेना का संगठन, दुर्ग वगैरह सब पर इस पर चर्चा हुई। तो बहुत ही अच्छा ये ग्रंथ है चाणक्य का अर्थशास्त्र। और आचार्य चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? आप बहुत सारी फिल्मों में, बहुत सारे जगहों पर आप देखे होंगे चाणक्य के विषय में, और चाणक्य ने ही पता आपको अभी बताया गया कि उसने अर्थशास्त्र नामक महान ग्रंथ की रचना की थी। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर के मगध साम्राज्य की भी नए मगध साम्राज्य की नींव डाली थी। तो इस प्रकार से इनका दूसरा नाम था कौटिल्य। चाणक्य का दूसरा नाम है कौटिल्य के नाम से वो जाने जाते थे। और अशोक मगध साम्राज्य की गद्दी पर कब बैठा, जो कि मौर्य प्रसिद्ध मौर्य शासक है जिनका पूरे विश्व में नाम है, 226 ईस्वी पूर्व, 270 ईस्वी पूर्व, 47 ईस्वी पूर्व और 273 ईस्वी पूर्व। आपको इन चारों विकल्पों में से एक को लगाना है कि अशोक मगध साम्राज्य की गद्दी पर कब बैठा, तो 273 ईस्वी पूर्व में अशोक मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठे थे। अब अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया? तो तक्षशिला, कश्मीर, कलिंग, कोई नहीं। किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया? तक्षशिला, कश्मीर, कलिंग, कोई नहीं। तो इतिहास प्रसिद्ध कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसमें जो हिंसा हुई थी उससे उनका मन विचलित हो गया था और उन्होंने एक ऐसे धर्म को माना कि जो कि अहिंसा में विश्वास रखता था, तो महान धर्म बौद्ध धर्म था। किस महान शासक ने कहा था, जीव मात्र की रक्षा उन्हें आनंद प्राप्त हो? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद महान शासक अशोक ने कहा था कि जीव मात्र की रक्षा हो और उन्हें आनंद प्राप्त होना चाहिए और किसी भी प्राणी को किसी की हत्या करने का कोई अधिकार नहीं है। सब लोग एक दूसरे के सुखों में मिलजुल करके सुखों में वृद्धि करें। और इतना महान शासक जिसका पूरे विश्व में नाम है और कहा जाता है उनके बराबर का शासक आज तक कोई नहीं हुआ, जिन्होंने जनकल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए। अशोक की मृत्यु कब हुई? उस महान शासक अशोक की मृत्यु 226 ईस्वी पूर्व, 222 ईस्वी पूर्व, 526 ईस्वी पूर्व या 232 ईस्वी पूर्व। तो आपको बताना है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी। अभी आपने राजगद्दी वाला देखा था, आप उसकी मृत्यु का समय बताना है। तो 232 ईस्वी पूर्व अशोक की मृत्यु हुई थी। आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री एक ग्रंथ है, आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री किसने लिखा है आपको बताना। इसमें प्रोमिला था पर जी वेल्स या जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसमें आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री ग्रंथ एच जी वेल्स ने लिखा है। एच जी वेल्स प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने इतिहास के अनेक पुस्तकों की रचना किया है और इतिहास लेखन में उनका बहुत ही नाम है। तो आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री नामक ग्रंथ को एच जी वेल्स ने लिखा है।
इसे याद रखना है। और भारत के किस शासक का नाम बोलगा से गंगा तक आदर्श लिया जाता है? अशोक, नंद, अकबर, समुद्रगुप्त। तो अशोक का नाम जो है वो बोलगा से गंगा तक जहाँ भी बौद्ध धर्म वहाँ बहुत आदर्श लिया जाता है, तो इसे याद रखें। और दूसरी चीज़ है कि अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लें ताकि आप अपडेटेड रह सकें। और यह चैनल चूँकि छात्रों के प्रति विशेष रूप से समर्पित है, उनके कल्याण के लिए, उनके सर्वतोभावेन हितों के लिए, तो आप भी अच्छे बने और अच्छाई का प्रचार करें। इसको शेयर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों को। मौर्य साम्राज्य के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? मौर्य साम्राज्य के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? गुप्त वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश या गुर्जर वंश? तो गुप्त वंश के जानते हैं स्थापक थे घटोत्कच, शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग जिसके शासक थे, और उन्होंने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली थी। तो मौर्य साम्राज्य के बाद उनके सेनापति ने शुंग वंश की नींव डाली जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है, मिनांडर का भारतीकरण के बाद नया नाम क्या हुआ? मिनांडर एक यूरोपीय थे जिन्होंने भारत में बौद्ध धर्म अपनाया और वह पूरी तरह से भारतीय करण उनका हो गया, जिनका नया नाम हो गया मिलिंद। तो ये भी इतिहास में जो लोगों को भारतीकरण की परंपरा रही है, कोई भी आया तो यहाँ पर भारतीय हो गया, तो मिनांडर मिलिंद हो गए। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे काम भी किए थे। यूनानी भारतीय मिश्रित कला, जब यूनानी लोग भारत आए सिकंदर के साथ, तो वहाँ पर अफगानिस्तान के क्षेत्र में और मथुरा तक उसका प्रभाव था पूरे पश्चिमी भारत में। और उस विशिष्ट कला का नाम क्या है? गांधार कला, इंडियन आर्ट, इंडो यूरोपियन आर्ट, मिश्रित कला। तो गांधार कला, गांधार कला इसका नाम है, जिसमें महात्मा बुद्ध की बहुत ही सुंदर मूर्तियों का निर्माण हुआ है और उन मूर्तियां अपनी कला में विशिष्ट हैं, जो कि गांधार कला के नाम से जानी गई इतिहास में। रांची के बेस नगर में किसका स्तंभ है? सिकंदर का, अकबर का, हिलियोदो का, क्या किसी और का है? तो रांची के बेस नगर में हिलियोदो का स्तंभ है जिसे आज भी देखा जा सकता है। तो हेलियोदो के नाम से यह रांची के बेस नगर में बहुत अच्छा स्तंभ एक आज भी स्थापित है, हेलियोदो, सबको याद रखें। और अकबर ने बहुत सारे महान काम किए थे, तो उसका भी इतिहास में नाम है ही, सिकंदर, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। शकों को दक्षिण की ओर किसने खदेड़ा? तो शक जो थे वो एक प्रकार से आक्रमण करता थे, जिसको कुषाणों ने खदेड़ा, पल्लवों ने या यूनानियों ने, कोई नहीं। तो शकों को कुषाणों ने दक्षिण की ओर भेज दिया। एक प्रकार से ये लोग आततायी आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर कई बार आक्रमण किए और कुषाणों ने उनका प्रबल विरोध किया। तो इसे याद रखना है, इसमें रा जो है वो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंट में भी वो शुद्ध नहीं हो पा रही थी। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? कनिष्क जिसका इतिहास में बड़ा नाम है और गांधार कला और उसके दरबार में बहुत सारे लोग रहते थे, वैष्णव धर्म का था, शैव का था, बौद्ध या जैन, किस धर्म का था? तो आपको बताना है, कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, और उसी समय बौद्ध संगीति भी हुई थी उसके समय में, कनिष्क के समय में। हीनयान और महायान धर्म किसकी शाखाएं हैं? किस धर्म की शाखा है हीनयान और महायान? जैन, बौद्ध, वैदिक या ईसाई धर्म? तो मुझे लगता है आप लोग पता चल गया होगा, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। हीन माने कमतर शाखा और महायान माने बड़ा यान, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं। तो ये बौद्ध धर्म की शाखाएँ हैं और जिसके महायान का प्रचार चीन और जापान वगैरह में महायान का ही प्रचार हुआ है। महायान बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध आचार्य कौन थे? जिन्होंने शून्यवाद का भी प्रचार किया है वो प्रसिद्ध आचार्य, कनिष्क, चरक, नागार्जुन या महावीर स्वामी? तो नागार्जुन जो है महायान धर्म के, बौद्ध धर्म के बहुत प्रसिद्ध आचार्य थे, जिन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी है और शून्यवाद के प्रचार प्रतिस्थापक में उनका बहुत बड़ा नाम है नागार्जुन का। गुप्त साम्राज्य का प्रारंभ कब हुआ? 300 ईस्वी, 320 ईस्वी, 326 ईस्वी, 410 ईस्वी। आप देखिए, इस गुप्त साम्राज्य जिसमें चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त वगैरह बहुत सारे अच्छे अच्छे शासक हैं, और जिसे गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, तो बड़े इतिहास में प्रसिद्ध। आपको बताना है कब प्रारंभ कब हुआ,
तो 320 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ है, इसे याद रखें ताकि भूले ना। गुप्त साम्राज्य का प्रारंभ 320 ईस्वी में हुआ। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, जिसने बहुत सारे विजय किया था? तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, घटोत्कच गुप्त या समग्र रूप से भारत का नेपोलियन किसे माना जाता है? तो भारत का नेपोलियन है समुद्रगुप्त, जिसने बहुत सारे विजय, एक बड़ी सेना लेकर के पूरे भारत के विजय किया था और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। समुद्रगुप्त जैसा शासक अपनी महानता के कारण भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है। हूणों के सरदार मेहरगुल को बंदी किसने बनाया? हूणों का जो सरदार था बहुत ही आतताई था और बर्बरतापूर्ण ये लोग काम करते थे। समुद्रगुप्त, यशोवर्मन, बालादित्य या कनिष्क ने किसने किया था? तो यशोवर्मन एक महान शासक थे जिन्होंने हूणों के सरदार मेहरगुल को बंदी बनाया था और जिसे बाद में छोड़ भी दिया गया था। तो यशोवर्मन वह महान शासक थे जिन्होंने हूणों के सरदार मेहरगुल को बंदी बनाया था, याद रखना है। और हर्षवर्धन कहाँ के राजा थे? प्रयागराज, काशी, कन्नौज, मथुरा, इनमें से आपको बताना है कि कहाँ के राजा थे हर्षवर्धन। प्रयागराज, काशी, कन्नौज या मथुरा के? तो हर्षवर्धन कन्नौज के राजा थे जिन्होंने बाद में बिहार तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और बाद में उन्होंने उज्जैन को भी अपनी द्वितीय राजधानी बनाई थी। तो पहले वो कन्नौज के ही राजा थे हर्षवर्धन, और एक बहुत ही अच्छे शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था हर्षवर्धन ने। और हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीन यात्री भारत आया था जो कि बौद्ध धर्म का भी जिन्होंने भारत में विकास देखा था हर्षवर्धन के समय में, और उन्होंने अपना इतिहास भी लिखा है जिसके बारे में भारत के संदर्भ में बहुत सारी जानकारी। तो हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग भारत आया था और जिसने भारत के इतिहास में लिखा है, भारत का इतिहास लिखा है, और हम आज उसके बहुत सारे स्रोतों पर निर्भर होते हैं। तो ह्वेनसांग एक महान यात्री था जिसने भारत के विषय में बहुत ही सुंदर वर्णन किए हैं ह्वेनसांग ने। और रंगमंच की कला पर किस ग्रंथ में प्रकाश डाला गया? तो भारत का एक महान ग्रंथ है अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र। तो रंगमंच की कला पर नाट्यशास्त्र में प्रकाश डाला गया, बाकी अर्थशास्त्र राजनीति पर है। मेघदूतम कालिदास का काव्य है और नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखा है, जो कि रंगमंच की कला पर अपना एक विशिष्ट इसका स्थान है और पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में इस ग्रंथ का बहुत मान्य ग्रंथ है जिसको भरत मुनि ने लिखा है, और नाट्यशास्त्र पर उन्होंने बहुत ही सुंदर विवेचना किया है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया है? भरत मुनि, कनिष्क, अश्वघोष या भास में से किसने किया है? तो बुद्ध, भरत मुनि, कनिष्क, अश्वघोष, भास। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया है और भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना किया है, और कनिष्क के दरबार में चरक जैसे लोग रहते थे, और भास भी संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े कवि रहे हैं भास की। तो इस प्रकार से बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया है, यह हमें याद रखना है, और यह विभिन्न कंपटीशनों में भी बहुत बार आया है, एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? विलियम जोन्स ने किया, स्मिथ ने किया, गेटे या शैली मसी किसने किया है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था, और बाद में अभिज्ञान शाकुंतलम का कई विद्वानों ने अनुवाद किया और विभिन्न भाषाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद हो चुके हैं, चूंकि ऐसी कालजयी रचना है और प्रकृति चित्रण के लिए बहुत ही सुंदर रचना है। प्रकृति प्रेम के लिए कालिदास का जो प्रकृति प्रेम है बहुत अनूठा है। संस्कृत साहित्य के सबसे बड़े कवि और नाटककार के रूप में किसका स्थान है? अश्वघोष का, कालिदास का, भभूत या भास का? तो कालिदास जो हैं वो संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े कवि हैं जिनका मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे कालजयी ग्रंथों के जो इन्होंने रचना किया है वह आज तक इनकी बराबरी को कोई छू नहीं पाया है। तो संस्कृत साहित्य के सबसे बड़े नाटककार हैं जिन्हें विलियम शेक्सपियर भी, संस्कृत का शेक्सपियर भी माना जाता है। बादलों के माध्यम से संदेश किस ग्रंथ में दिया गया है? बादल, दूत, दूत, मेघदूत या रघुवंश में से किस ग्रंथ में बादलों के माध्यम से संदेश दिया गया है? तो मेघदूत में बादलों के माध्यम से संदेश दिया गया है। मेघदूतम जो है कालिदास का ग्रंथ है। इस प्रकार से आपने यह वीडियो देखा, धन्यवाद।